ये अमेज़न से कुछ आया हुआ है, देखिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। जो कीमत बताई जा रही है ये 7900 कुछ रुपए का है। ये देसी जुगाड़ है भैया, ये कैंची भी है। जब निकल के आता है तो बता रहा हूँ कि क्या है इसके अंदर। वाह भाई, ये आया तो बहुत सही है, पैकेट तक अभी तक सही है। ये खोला, ये भाई खुल जा सिम सिम। और ये पॉलिथीन, बजाने में बड़ा मजा आता है। ये आहा, क्या बात है, टैक टूट, बहुत मजा। ये देखिए, ये आवाज, लेंस गो का आइटम। ये वायरलेस माइक है, इसको आप DSLR मोबाइल कैमरा कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं दिखाना चाहूंगा। लेंस गो लेवलर वायरलेस माइक इसके अंदर है। ये देखिए, ये मोबाइल के ऊपर फिट हो जाएगा और ये DSLR के ऊपर फिट हो जाएगा। MRP इसकी 10,500 रुपए की है। तो काफी सर्च करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। अब देखते हैं इसके अंदर मिलता क्या क्या है। ये डिब्बे पैकिंग आपको इस तरीके से मिलेगी। ये निकाला, डिब्बे के अंदर कुछ नहीं है। ये गया किनारे, इसको भी किनारे किया, इसको भी किनारे किया। इस तरीके की पैकिंग आपको मिलेगी। पीछे साइड में आपको इनकी राम कहानी मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इंग्लिश में भी है और दूसरी भाषाओं में भी है, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको समझ में आएगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत जोड़ गांठ करके पढ़ लेंगे। और ये डिब्बा हमने खोला, अब इसके अंदर निकलता क्या क्या है ये चीज देखते रहिए। ये कुछ मेटल का है। दूसरा निकला लेवलर माइक, कॉलर में या कहीं भी आप लगा करके बात कर सकते हैं। ये तीसरा आइटम आपका गले के अंदर फीता बांध करके आप रख सकते हैं। ये एक DSLR के अंदर लगने वाला केबल है। इसी से हमको लग रहा है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट चार्ज होंगे, क्योंकि बैटरी की इसके अंदर आवश्यकता नहीं, इनबिल्ट बैटरी है। और जो मोबाइल में लिथियम बैटरी आती है वही बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी 5 घंटे तक आप ले सकते हैं। कनेक्टिंग पिन है, ये पिन हमारा मोबाइल और रिसीवर के बीच में लगेगा। बाकी एक ये है विंड स्क्रीन लेवलर मोबाइल के लिए, लेवलर के लिए यहां पर आप लगा सकते हैं इसको। दूसरा चीज, इसके अंदर कॉलर पिन है एक, जो कॉलर में फंसा सकते हैं। तीसरा सिम इजेक्टर एक दिया है, जो कोई सेटिंग के लिए है। उसके बाद फिर आपको मिला ये विंड स्क्रीन, जो बाहर की नॉइज वगैरह माइक में ना आने पाए, हवाओं के बेग को रोके और आपके लिए आवाज वॉइस सही रखे। तो ये है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, निकल जा। ये बड़ा प्यारा सा आइटम है, वाह क्या बात है। ये आइटम है, इसकी मैं पॉलिथीन छोड़ाता हूं, ये निकल जाता है। बड़ी अच्छी चीज ये है, इसके अंदर कोई ज्वाइंट नहीं है, बस इस तरीके से आप करेंगे और ये करेंगे, ये पकड़ लेगा, गिरेगा नहीं। ये मोबाइल में भी रख देगा, इस तरीके से किसी भी तरीके से एंगल में आप घुमा सकते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया TX, देखिए TX लिखा हुआ है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है देखिए पॉलिथीन में छुड़ा रहा हूं, इसको मैं छुड़ा के यहां रख दिया। और ये यहां पर भी इस तरीके से है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज, अच्छा पॉइंट ये लगता है, ये RX है, रिसीवर हो गया। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसको पैंट में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्लिप में लगा सकते हैं, आप इसको यहां लगा सकते हैं। अगर मान के चले क्लिप नहीं लगाना, केवल आपको लटकाना है, बनियाइन वगैरह पहने हैं, तो आपने ये शर्ट के नीचे रखा और इसको उठाया और यहां पर लगा दिया, आराम से बोलते रहे बतियाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, गिरने की कोई संभावना नहीं है। लेवलर माइक के लिए, अगर मान के चले इसको आपने जेब में रख लिया, नीचे रख लिया, तो लेवलर माइक के लिए आप यहां पर जैक लगा हुआ है, यहां पर आपने लगा दिया और इसको आपने जेब में रख लिया, इसको बाहर आपने कोने में लगा लिया। वैसे इसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि आप 20 मीटर तक तो अच्छी रेंज के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे इसको जो है अगर लेके जाते हैं, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो 50 मीटर तक ये काम करता है। तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया आइटम हो सकता है जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, या जो लोग प्रंक का वीडियो बनाते हैं, या जो लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है और काफी सस्ता पड़ता है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है और ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा और निराश नहीं करने देगा।